नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत रासो भैया, स्वागत है आपके अपने चैनल जेन स्किल्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो होटल्स होते हैं, जो 5 स्टार 4 स्टार या फिर दोस्तों कोई भी होटल्स होते हैं, तो दोस्तों उनके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अब उनके काम क्या क्या रहते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, कैसे काम करना होता है, क्या क्या उसके अंदर रहता है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि क्या है कि आपको पूरी अच्छी तरह से ना आपको जो है नॉलेज हो जाए, जिसके बाद क्या है कि आप अपने डिपार्टमेंट जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद क्या है कि आप कोई भी करियर अपना चूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपको काफी ज्यादा इससे क्या है कि आपके जो करियर बनाने में ना मदद मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि हाउस कीपिंग है, तो हाउस घर होता है और कीपिंग होता है देख रेख करना, यानी दोस्तों जो घर होता है उसकी देख रेख करना। तो दोस्तों होटल के अंदर भी सेम ऐसा ही रहता है, यानी कि दोस्तों हाउसकीपिंग का जो काम होता है वो होटल की पूरी देख रेख करना होता है, यानी कि दोस्तों साफ सफाई जो भी होती है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ही आती है। जैसे कि दोस्तों रेस्टोरेंट क्लीनिंग, लॉबी क्लीनिंग, इसके अलावा दोस्तों रूम क्लीनिंग, कॉरिडोर क्लीनिंग, लिफ्ट क्लीनिंग, इसके अलावा दोस्तों जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड जो काम होता है ना वो हाउसकीपिंग के अंडर में ही आता है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो गार्डनिंग होती है वो भी हाउसकीपिंग के अंदर आती है। इसके अलावा दोस्तों पेस्ट कंट्रोल होता है, यानी कि दोस्तों जो जीव जंतु आ जाते हैं रूम्स के अंदर, कॉरिडोर के अंदर या फिर दोस्तों होटल के अंदर आ जाते हैं, दोस्तों उनको दूर भगाने का काम भी हाउसकीपिंग के अंदर में आता है। हालांकि पेस्ट कंट्रोल क्या है कि अलग से पर्सन होता है जो कि ये पेस्ट कंट्रोल करता है। अब दोस्तों बताना चाहूंगा कि हाउसकीपिंग के अंदर क्या है कि रूम क्लीनिंग से रिलेटेड काम तो रहता है, इसके अलावा दोस्तों जो भी पार्टीज वगैरह होती है उनके अंदर क्या है कि इनको निगरानी रखनी होती है, कोई भी अगर कुछ भी हो जाता है तो दोस्तों हाउसकीपिंग उसको क्या है कि केयर करता है, कोई भी फ्लोर वगैरह अगर क्लीन करना है। इसके अलावा दोस्तों होटल के अंदर जो भी क्लीनिंग का रिलेटेड काम है या फिर दोस्तों डेकोरेशन से रिलेटेड काम भी हाउसकीपिंग के अंदर में ही आता है। इसके अलावा दोस्तों रूम के अंदर क्या है कि बेड मेकिंग, इसके अलावा पूरा रूम जो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, यानी दोस्तों रूम मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो हाउसकीपिंग के द्वारा ही पूरा तैयार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लॉन्ड्री सर्विस होती है होटल के अंदर वो भी हाउसकीपिंग के अंदर में ही रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हाउसकीपिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि एक हाउसकीपिंग के अंदर क्लीनिंग से रिलेटेड है ना जो काम को है ना मैनेज करने के लिए ना अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे क्या है कि रूम अटेंडेंट, इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा दोस्तों फ्लोर सुपरवाइजर सुपरवाइजर होते हैं, इसके अलावा ट्रेनी सुपरवाइजर होते हैं, इसके अलावा दोस्तों एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसके अलावा एचओडी होता है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, यानी दोस्तों हाउसकीपिंग जो का एक तरह से मैनेजर ही मान लीजिए वो एचओडी होता है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों उसके ऊपर पोस्ट जो आती है जो मैनेजर होता है जो पूरे होटल का ही मैनेजर होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि अलग अलग पोस्ट रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे नीचे की पोस्ट पे आते हैं ना जो रूम अटेंडेंट से अंडर में रहते हैं वो ट्रेनीज होते हैं, या फिर दोस्तों जो ट्रेनिंग लेने के लिए होटल्स के अंदर आए हैं वो रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूटी बॉयज होते हैं होटल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो पब्लिक एरिया जो होते हैं, जैसे कि लॉबी हो गया, इसके अलावा मेन पोर्च हो गया, मेन पोर्च के अलावा जो गार्डन का एरिया हो गया, इस तरह जो काम करने इन एरिया को क्लीन करने के लिए ना जो पब्लिक एरिया के लिए ना पब्लिक एरिया अटेंडेंट अलग से रहते हैं होटल के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि काम को अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। सुपरवाइजर का काम सुपरवाइजर का होता है, फ्लोर सुपरवाइजर सुपरवाइजर अलग होता है, लॉबी का जो होता है जो लॉबी और मेन पोर्च और पब्लिक एरिया सुपरवाइजर अलग रहता है, तो दोस्तों उनके लिए अलग अलग सुपरवाइजर होते हैं। तो दोस्तों वो सुपरवाइजर क्या है कि अपने अलग अलग एरिया के हिसाब से क्या है कि काम चेक करते हैं। जैसे कि पब्लिक एरिया सुपरवाइजर है वो पब्लिक एरिया जो है उनकी जो क्लीनिंग होती है उनकी जिम्मेदारी क्या है कि पब्लिक एरिया सुपरवाइजर की रहती है। इसके अलावा जो फ्लोर सुपरवाइजर है वो पूरा एक फ्लोर के ऊपर जितने भी रूम्स हैं उनकी जो क्लीनिंग करवाना, ठीक है, उनको चेकआउट चेक इन करने के टाइम पे क्या है कि उनको देखना, तो दोस्तों वो उसके अंडर में रहते हैं। और सुपरवाइजर जो होते हैं फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं उनके अंडर में रूम अटेंडेंट आते हैं, जो एक रूम अटेंडेंट रहता है जो फ्लोर पे होते हैं रूम अटेंडेंट वो आते हैं। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग सुपरवाइजर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि काम को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या है कि सुपरवाइजर को देखता है, उनको काम बताता है कि क्या क्या काम करवाना है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो डीप क्लीनिंग होती है, वीकली क्लीनिंग होती है, मंथली क्लीनिंग होती है, वो अलग अलग रहती है। इसके अलावा दोस्तों हाउसकीपिंग के अंडर में क्या है कि जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कंप्लेन होती है वो क्या है कि हाउसकीपिंग वाले चेक करते हैं, उसके बाद क्या है कि मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर उस कंप्लेन को नोट करवाते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको जो है प्रिपेयर करवाता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि पूरे होटल के अंदर हाउसकीपिंग क्या है कि अलग अलग तरीके से क्या है कि अपने अपने जॉब को क्या है कि करते हैं।
और हर क्लीनिंग के अंदर अपना अपना अलग प्रोसेस होता है। जैसे रूम क्लीनिंग के अंदर अपना एक अलग प्रोसेस होता है, इसके अलावा पब्लिक एरिया के अंदर अलग प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि क्लीनिंग के भी अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। वो क्या है कि जब भी आप होटल मैनेजमेंट करते हैं या फिर दोस्तों होटल के अंदर जॉब करते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको पूरा समझ में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, कैसे काम किया जाता है, कैसे कैसे काम आगे करना होता है। तो दोस्तों आप होटल मैनेजमेंट करके क्या है कि अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर काफी अच्छा खासा करियर आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी है इसी चैनल पे डली हुई है, तो दोस्तों वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि है कि F&B सर्विस से रिलेटेड, यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस होती है उससे रिलेटेड, इसके अलावा फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो इसके अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट के अंदर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको है ना जो नीचे है ना कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, उस पर क्या है कि आप चेक कर सकते हैं, उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि एडमिशन से रिलेटेड जो इक्वायरी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहूँ हमारा एक संस्थान है जिसके अंदर क्या है कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है कि डिप्लोमा कोर्स जो है करवाया जाता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर आप कॉल करके आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और काफ़ी कम फीस के अंदर आप एक डिप्लोमा कोर्स होटल के अंदर करके आप आगे अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। आप इंडिया में नहीं, आप अब्रॉड या फिर दोस्तों बाहर भी आप जा सकते हैं इंडिया से बाहर। तो दोस्तों इस तरह से ना हाउसकीपिंग की पूरी जानकारी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।